students, today we will start history class and today's chapter theme number 4 is Central Islamic Land. In this chapter we will discuss most important topics, rise of Islam, the culture, the Umayya and the centralization of policy, rise of Sultanate, economy, agriculture and urbanization. Source to understand the history of an central Islamic land. जब भी हम हिस्ट्री का कोई टॉपिक करते हैं उस टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि वो हिस्ट्री की बुक में जो चीजें मेंशन है उनका सोर्स कहां से, सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड, कि जो हिस्ट्री आपकी बुक पर, जो आप बुक में रीड कर रहे हो हिस्ट्री, वो हिस्ट्री का सोर्स कौन सा, कहां से वो हिस्ट्री को राइट किया गया, उसका एज ए सेम इस टॉपिक में हिस्ट्री ऑफ ए सेंट्रल इस्लामिक लैंड की जो सोर्स है वो यहां पर आपके बुक पर भी मेंशन है और यहां पर फर्स्ट सेमी हिस्टोरिकल वर्क सच एज बायोग्राफी, records of saying and doing of the prophet and commentaries on the Quran are also available. The material from which these works were produced was a large collection of eyewitness reports like Akbar transmitted over a period of time either orally or on paper. कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं कि जो हमें पेपर के ऊपर लिखते हैं और कुछ ऑरली होते हैं, ऑरली कि ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन आगे चलते जाते हैं, कि हमारे एल्डर्स ने हमें बताया नेचुरली कि हम आने वाली जनरेशन को वो चीज ऑरली बता दें. नेक्स्ट क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स रिटन इन सीरिया आर फेवर बट दे थ्रो इंटरेस्टिंग लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहां पर हमें बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं, ज्योग्राफी जो है वो भी इस पर डिपेंड करती है कि हिस्ट्री को समझ नहीं आती. द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, इस्लाम कंट्री अरेबिया, प्रेजेंटली जो अरेबिया है जहां पर मक्का और मदीना, वहां से इस्लाम की स्टार्टिंग बन गई. बट फर्स्ट पॉइंट द प्रॉफेट मोहम्मद वाज अरब बाय लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ए मर्चेंट बाय प्रोफेशन. The Arabs were divided into tribes, each led by a chief who was chosen partly on the basis on his family connection, but more worship, but personal prowess, wisdom or strength. Each tribe had its own god or gods. अरब जो एरिया है वहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज थी, ट्राइब्स में ग्रुप में पीपल रहते थे और हर ट्राइब का अपना एक गॉड और गॉडेस, हर जो ट्राइब का एक हेड भी होगा और उसका अपना अपना एक अलग अलग गॉड भी. मैनी अरब ट्राइब्स वर नॉमेडिक मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरिया. बहुत सारे अरब के जो ट्राइब्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते. रीजन क्या थी, रीजन कि उनको खाने के लिए, फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा. मोहम्मद ऑन ट्राइब, मोहम्मद का एक खुद का ट्राइब था कुरैश कहते थे जिसको, और वो मक्का में कंट्रोल द मेन श्राइन देयर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड का, और मक्का में जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम
तपा कहते हैं, ठीक है, जो एक रिचेस्ट प्लेस है। फोर्थ नंबर पॉइंट, इवन ट्राइब्स आउटसाइड मक्का कंसीडर्ड द काबा ओनली एंड इंस्टॉल्ड देयर ऑल आइडल्स एट एन श्राइन मेकिंग एनुअल पिलग्रिमेज टू द श्राइन। मक्का वाज लोकेटेड ऑन क्रॉस अराउंड 612 मोहम्मद डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी द सेंटर ऑफ मोहम्मद की जो टीचिंग है उन्होंने भी एक ही गॉड में बिलीव करने को बोला है, गॉड एक ही है, अल्लाह की वर्शिप की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस्लाम में कि जो मून है मून को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, जो भी फेस्टिवल है स्पेशल इस्लाम में वो मून से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक इस्लामिक कैलेंडर एंड दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, थैंक यू।